पानी पानी अच्छा है। कल 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 घर में पार्टी है। मैं जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। मैं गुब्बारे फोड़ूंगा, मैं फूकूंगा फिर फोड़ूंगा। बच्चों की पार्टी है। मेरे लिए रखी है पार्टी। मैं तो बच्चा हूँ, मैं जाऊंगा पार्टी में। मैं क्या 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 हुआ? मैं नहीं जा सकता। जा सकते हैं। मैं अंदर आ जाऊं? अभी 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 नहीं, चली जाओ यहां से, अभी नहीं आना। मैं बोलो न जाने। मैं आ जाऊं ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं ना, बोलो जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं अभी, ये जो गायत्री है ना, इसके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, इसलिए आना तो पड़ेगा। गायत्री तुम्हारे ना बाय बाय टाटा बोलने का टाइम आ गया है। पता है मन्ने, तुम्हारी पहली शरत इसमें ताड़ी भाभी से मैंने बहुत दिक्कत है। मैं चुपचाप अपना काम करूँ या आके हमारी बात सुने? अब देखो गायत्री, तुमने जो मेरे साथ में किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए था। बस तारे को भी भूलना चाहिए, हमारी बात सुनने की भूल मत करना। हाँ अब मैंने भूलना ना चाहूँ इसे, मारूंगा वरना डर जाए, मारूंगा वरना डर जाए, मारूंगा नहीं नहीं डर गई डर गई डर गई डर गई डर गई डर गई डर ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? मुझे खाना नहीं देते वो लोग, मुझे सताते हैं। ये मिट्टू मिट्टू भाग गई। कल पार्टी में कुछ अच्छा होगा। बूजी बूजी, I'm so happy। I did it। क्या हुआ? बूजी अब मेरी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे और रणबीर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रणबीर ने ना प्राची को हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आने से मना कर दिया है। ऐसा क्या क्या तुमने? एक्चुअली मैंने ना मैं आज तुम्हारे साथ सब खत्म करता हूं प्राची। रियली? यस पूछी, इट्स अ डबल विन फॉर मी। अब मेरी लाइफ में रणबीर इन एंड देन प्राची आउट। आई एम सो हैप्पी। मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। इम्प्रेसिव। प्यार में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना ही पड़ता है, सिर्फ सपने देखने से तो प्यार नहीं मिलता। कांग्रेचुलेशंस। यू नो रिया, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, और मैं तो कहती हूँ सबको ऐसे ही होना चाहिए। आई मीन, तुम अगर दूसरों के बारे में सोचोगी तो प्यार तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। यू नो, कुछ भी करो, खुद ही मिल जाए प्यार तो वेल एंड गुड, ना मिले तो छीन लो। कुछ भी करके प्यार हमारे पास होना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी और की जिंदगी में अंधेरा क्यों ना करना पड़े। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या करे। न मेरी प्रज्ञा खुश है न प्राची, दोनों माँ बेटी परेशान है। एक काम करते हैं, पंडित जी को फोन करते हैं और सत्यनारायण की पूजा करवा लेते। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप करवा ही लो पूजा। अंधेरा कर रखा। आप लोग ऐसे अंधेरे में क्यों थे? वो रात हो गई थी ना तो लाइट्स बंद कर दी। प्राची कहाँ है? अपने कमरे में। आप परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है? नहीं, परेशान तो मैं नहीं हूँ। तू थक के आई है ना, बैठ ना, चाह लेना। प्राची
तेरा झगड़ा हुआ है क्या प्राची के साथ? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर तू अकेले कमरे में क्यों बैठी थी? ऐसे ही क्या, सरिता जी और शाना यहाँ बैठे हैं, तू अंदर बैठी थी? नींद आ रही थी, थोड़ी लेटी थी। प्राची बात क्या है, तू बताएगी मुझे? कुछ नहीं, मैं चाय लेके आती हूँ। तू बैठ, सरिता जी चाय ला रही। मुझे बता बात क्या है, क्या हुआ है प्राची? I have decided कि रणबीर और रिया की एंगेजमेंट हो जाए और उसके 10 दिन बाद इन दोनों की शादी। मुझे पता है रणबीर की एंगेजमेंट के बारे में, तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना अभी बात करने की, कोई फायदा ही नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, वो कैसे कर सकता है ऐसा? अभी कुछ दिनों पहले उसकी मर्जी ही कुछ और थी, उसे पूछना तो पड़ेगा क्यों कर रहा है ये सब। पूछेंगी माँ से तब ना जब उसकी कोई गलती होगी। रणबीर ने ब्रेकअप नहीं, प्राची ने ब्रेकअप किया है, बताना, चुप के बैठी है, बता मासी को। ब्रेकअप का बताया तो रीजन क्या दूंगी, और अगर कहीं माँ को रिया की शत का पता चला तो उन्हें बहुत बहुत बुरा लगेगा। चुप कर शाना, मैं बात कर रही हूँ ना, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ, ओके? और तू बीच में मत बोल, मैं अपनी बात खुद कर सकती हूँ। मैं आपको बताने ही वाली थी सब कुछ, पर मुझे लगा आप हर्ट हो जाएंगी, आपको बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बोला। मत ना। मैंने रणबीर के साथ ब्रेकअप पहले ही कर लिया था। क्यों? पजेसिव हो रहा था, इतना पजेसिव हो रहा था ना मेरे लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा था अचानक उसको क्या हो गया। सवाल पूछता था, कहाँ हो, कहाँ जा रही हो, किसके साथ हो, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था माँ, जैसे भरोसा ही नहीं है मुझ पे। तो मुझे फिर लगा कि, और सबसे बड़ी बात, मेरे स्टेटस को लेके एक दो बार उसने कुछ बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा कि ये यहीं पे रुक जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं ना ऐसे रिलेशनशिप का, दिस शुड जस्ट स्टॉप। नहीं प्राची, मुझे नहीं लगता है रणबीर ऐसा है, मुझे लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। बेटा क्या होता है ना, कभी कभी रिलेशनशिप में ना कंसर्न दिखाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो। एग्जैक्टली यही सोच रही थी मैं भी, पर चीजें ना वियर्ड होती गई, उसको ना थोड़ा एटीट्यूड आने लगा, फिर वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। और फिर वैसे भी रिया को ना रणबीर बहुत पहले से पसंद करता था, मुझे लगता है वो दोनों परफेक्ट मैच है, रिया और रणबीर, इसलिए मेरा पीछे हटना ही ठीक है। और आपको पता है हम दोनों को ना एक दूसरे के लिए, मतलब एटलीस्ट मुझे लाइकिंग भी नहीं था। ऐसे कैसे, मैंने देखा उस लड़के ने यहाँ इस घर में हमारे सामने तुझे प्रपोज किया। मैंने हाँ प्रपोज तो किया था ऑफ कोर्स, पर मैंने हाँ नहीं बोला था। हाँ आपने बोला था, याद है आपको? मैंने तो ऐसे कुछ बोला नहीं था, आपने एक्सेप्ट किया था ना उसको मेरे लिए। फिर बाद में मुझे लगा कि आप इतने खुश हैं, आपने विश कर दिया, ब्लेसिंग दे दिए, तो एकदम से मुझे तभी कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आपको मुझसे ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में, छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लूँगी, इसलिए आपका दिल रखने के लिए फिर मैंने कुछ नहीं बोला। शाना तू थी ना तभी वहाँ पे, बता माँ को कि मैंने नहीं बोला था ना तभी कि हाँ मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो, ऐसे कुछ बोला था? सच बता तुझे मेरी कसम। नहीं ऐसा नहीं है, जो प्राची का फैसला है मैं उसके साथ। नहीं आप, मैं ना, नहीं नहीं वो देखा, आप सब इतने खुश थे इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी मैं। फिर भी अगर यू डोंट बिलीव मी, सरिता आंटी आप मुझे बताइए, क्या मैंने कभी आकर खुद से आपसे कहा है कि सरिता आंटी रणबीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, आई फील फॉर हिम, ऐसा कभी कुछ बोला था? बताओ माँ को। भगवान करे तेरी ये मुस्कान को किसी की नज़र ना लगे। नहीं लगेगी। कैसे लगेगी, ये मुस्कान देने वाला रणबीर जो है। आई नो उसने बहुत हेल्प की है। ना कभी नहीं। हाँ बिकॉज मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना उसके लिए, जो भी था कॉम्प्रोमाइज़ था। लेकिन माँ मैं ना अब ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, बिकॉज फिर कोई भी चीज़ दिल से ना हो ना तो फिर आगे जाके लाइफ में फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी ना, तो इट्स नॉट फेयर रणबीर के लिए भी, मेरे लिए भी, है ना? हाँ हाँ नहीं मैम,
मैं खुद नहीं चाहती कि तुझे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हो सकता है मैं गलत समझ बैठी। खैर अच्छा है कि वक्त रहते गलतफहमी दूर हो गई। पता है एक बार तेरे पापा ने भी पूछा था मुझसे। क्या? कि क्या तूने मुझसे कहा है कि तू रणवीर से प्यार करती है? मैंने पूछा उनसे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिया ने उनसे कहा है कि वो रणवीर से प्यार करती है। वाओ, पापा को पता था। राची कल उन दोनों की एंगेजमेंट है। I know, of course मुझे पता है। अच्छा हुआ ना सब कुछ वक्त पे ठीक ठाक हो गया। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I know एंगेजमेंट है। I wish the best for them। मेरी बहन रिया और मेरा दोस्त रणवीर, बस दोनों खुश रहे। ओके सब बातें हो गई है, रिलीफ। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं अब सो जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्लीज। हाँ जा। गुड नाइट। गुड नाइट मासी। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, वहीं जाके सो जाऊँ। वाह, मासी से सब कह भी दिया और सब छुपा भी लिया। ऐसे झूठ का अफसोस नहीं है मुझे जो मेरी माँ को खुश रखता हो। आगे भी बोलना पड़े ना तो बोलूंगी। मेरी माँ को दुखी नहीं देख सकती। अभी तो बस अपना प्यार सैक्रिफाइस किया, जरूरत पड़े तो जान भी दे दूंगी।
आई विश द बेस्ट फॉर देम. मेरी बहन रिया और मेरा दोस्त रणबीर, बस दोनों खुश हैं. तू गलत नहीं हो सकती, शायद रिया के भाग्य में रणबीर लिखा है. अरे अभी तक तुम लोगों का काम ही खत्म नहीं हुआ, कितना सारा काम बाकी है, जल्दी जल्दी फिनिश करो सब. और देखो तुम लोगों को मैंने यहाँ पर बोला था सफेद फूल लगाने के लिए और तुम जी, इसे चलते हुए कुछ दिखता ही नहीं है. वो देखो उधर है ना, और ये गायत्री, तुम्हारे घर में आने का टाइम क्या है? 10 बजे. तो अभी कितना बजा है? 9:30. आधा घंटा पहले तुम घर पर आई हो, फिर भी तुम्हें आने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? हाँ, अरे बोलो बोलो, क्या जल्दी पड़ी हुई थी? तुम्हारा भी बड़ा ही अजीब है, मतलब लोग हमारे घर में आना चाहते नहीं है और तुम हो कि यहाँ से जाना चाहती नहीं हो, जाती भी हो तो मुंह उठाकर फिर से चली आती हो. चक्कर क्या है? चक्कर ना है, प्रेम. प्रेम है अपने काम से. काम चोरी की आदत ना है मरने तो समय से आधे घंटे पहले आने का असूल बना रखा है मैंने. अच्छा, असूल बना रखा है. वाह 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 वाह, कमाल. अरे ओए 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 ओए, असूल वाली कहाँ चल दी? असूल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो घर है ना मेहरा मेंशन, इसमें सिर्फ आलिया का कहा चलता है, उसका असूल चलता है. मतलब वो जो कहे ना वो ही मानना पड़ता है, समझी? बढ़िया है असूल वाली. अब वो मेरे से याद आया, मुझे आलिया ने मुझे कहने को कहा था कि, मतलब तुम्हें कहा था कहने के लिए कि अभी ना, मतलब आज वो एंगेजमेंट की पार्टी है ना, एंगेजमेंट मतलब सगाई, उसकी पार्टी है घर में, समझी? तो अभी अपने कमरे से नीचे पार्टी हॉल में नहीं आना चाहिए. तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करना, लेकिन अभी नीचे पार्टी में नहीं दिखना चाहिए, समझ में आया? कल घर में पार्टी है, मैं जाऊंगा, बहुत मजा आएगा. मैं गुब्बारा फूलूंगा, मैं फूलूंगा फिर फूलूंगा. आया समझ में? क्या, चलो. अरे तुमने अभी तक फूल ठीक से नहीं किए, वो सफेद वाले लगाने ना वहां पर, मैं आती हूँ. तुम अभी तक यही खड़ी हो, हिली भी नहीं. अरे जाओ गायत्री, कितने सारे काम पड़े, चलो चलो जल्दी जाओ. और देखो ये वाला ना, वर्कर्स इतने कम क्यों भेजे हैं आपने? और भेजिए, एंगेजमेंट आज है, कल नहीं, बहुत सारा काम बाकी है. That's right, quick. वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर रियल लाइफ में आओगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है या नहीं? रिया जिसकी एंगेजमेंट है तनु, मेरी नीस, उसे तुम्हें अपनी बेटी बनाना है. अगर तुम रिया को अपना बना पाओगी ना, तभी तुम भाई का साथ पाओगी, वरना भाई ठीक होते ना तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे, आउट कर देंगे. गलतियां भी तुमने एक नहीं अनेक की हैं. I am confident. About what, Tanu? About अभी, कि वो मुझे माफ कर देगा. अगर तुम रिया को अपना बना पाई ना, only then, भाई रिया के लिए शादी जैसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी ना ऐसे तोड़ सकते हैं. इसे तुम्हें रिया को प्यार करना होगा. रिया ही एक है जिसकी वजह से भाई तुम्हें माफ कर सकते हैं तनु.